दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही जबरदस्त और यूनिक किस्म का बिजनेस आइडिया लेकर आया हूं। अगर आप लोग इस बिजनेस को करते हैं तो यकीन करें कि आप लोगों को लाखपति बनने से कोई भी नहीं रोक सकता और ना ही आप लोगों को कोई बड़ा बिजनेसमैन बनने से रोक सकता है। दोस्तों केले की चिप्स का कारोबार बहुत ही शानदार है और इसकी डिमांड बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है। इस कारोबार में एक तो आप लोगों को प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा मिलता है और दूसरा दोस्तों इस कारोबार को आप लोग बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू कर सकते हैं। इस कारोबार को करने के लिए आप लोगों को लेबर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों इस कारोबार को आप लोग कैसे कर सकते हैं, इस कारोबार को करने के लिए आप लोगों को टोटल कितनी इन्वेस्टमेंट का सामना करना पड़ेगा, इंशाल्लाह ये तमाम तरह इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को इसी वीडियो में लाइव प्रूफ के साथ दूंगा। आप लोगों ने इस वीडियो को स्किप नहीं करना। अगर तो आज की इस वीडियो को आप लोग स्किप करेंगे या स्किप कर करके देखेंगे तो नुकसान आप लोगों ने अपना करना है, किसी का कुछ नहीं जाना। चलो दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आज का बिजनेस आइडिया बनाना कटर मशीन के हवाले से है। आप इस मशीन के जरिए सानी के साथ केले की चिप्स को तैयार कर सकते हैं। केले की चिप्स की ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में बहुत ही ज़्यादा डिमांड है। दोस्तों इस मशीन को ऑपरेट करना भी बहुत ही आसान है, एक बंदा भी इसको आसानी के साथ ऑपरेट कर सकता है। अगर मैं बिजली के कनेक्शन के हवाले से बात करूं तो दोस्तों आप लोगों को सिंगल फेज की जरूरत पड़ेगी, आप लोगों को थ्री फेज की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इस मशीन के साथ साथ दोस्तों आप लोगों को मजीद दो और मशीनों की जरूरत पड़ेगी। एक आप लोगों ने सेलिंग मशीन ले लेनी है और दूसरी आप लोगों ने बनाना ड्रायर मशीन ले लेनी है। दोस्तों ये मशीनें आप लोगों को कहाँ से और कितने की मिलेंगी अभी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, लेकिन इससे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को राम ड्रिल के बारे में बता देता हूँ। राम ड्रिल के तौर पर दोस्तों आप लोगों को ऑयल की जरूरत पड़ेगी और आप लोगों को हल्के से ग्रीन कलर के जो केले होते हैं उनकी आप लोगों को जरूरत पड़ेगी। अब दोस्तों आप लोग चिप्स तैयार करने का तरीकाकार समझ लीजिए। सबसे पहले आप लोगों ने केले के स्लाइस तैयार कर लेने हैं। इसके बाद आप लोगों ने इनको फ्राई मशीन में डालना है, इसमें आप लोगों ने पकाना है। 3 से 4 मिनट जब ये पक जाएं उसके बाद आप लोगों ने इनको बाहर निकालना है। बाहर निकालने के बाद आप लोगों ने इसको ड्राई मशीन में डाल देना है। ड्राई मशीन में डालने का ये फायदा होगा चिप्स में जितना भी ऑयल होगा वो इसको खुश कर देगी। इसके बाद दोस्तों सिंपली आप लोगों ने इसको पैक करना है। पैक करने के बाद आप लोगों ने मार्केट में जाकर सेल कर देना है। आप लोगों ने 1 किलो वाले 2 किलो वाले या फिर 1 पाव वाले पैकेट तैयार कर लेने हैं और वो मार्केट में जाकर आप लोगों ने सेल करने हैं। इसके अलावा दोस्तों आप लोग इनको ऑनलाइन भी सेल कर सकते हैं। अगर आप लोग इनको ऑनलाइन सेल करते हैं तो आप लोगों को ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन मिलेगा, और अगर आप लोग ऑफलाइन सेल करना चाह रहे हैं तो दोस्तों आप लोगों ने बड़ी बड़ी मार्केट्स में चले जाना है, बड़े बड़े स्टोर्स में आप लोगों ने चले जाना है और बड़े बड़े रेस्टोरेंट में आप लोगों ने चले जाना है। वहां पर जाकर आप लोगों ने अपना सैंपल चेक करवाना है। अगर तो आप लोगों का म्यार और क्वालिटी अच्छी होगी तो वो आप लोगों को एडवांस में ऑर्डर दे दिया करेंगे और वो आप लोगों से ही माल उठाया करेंगे। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इन मशीनों की कीमत के हवाले से। दोस्तों अगर आप लोग खाली बनाना कटर मशीन परचेज करते हैं तो ये मशीन आप लोगों को 1,30,000 में मिलेगी। अगर आप लोग तीनों मशीनों को परचेज करते हैं तो इन मशीनों को परचेज करने के लिए आप लोगों के पास 4 से 5 लाख रुपए होना चाहिए। दोस्तों ये मशीनें आप लोगों को पाकिस्तान के चंद छोटे बड़े शहरों से आसानी मिल जाएंगी, फॉर एग्जाम्पल मुल्तान, कराची, लाहौर और रस्का वगैरह से। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का ये बिजनेस आइडिया आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप ये बिजनेस नहीं भी करना चाह रहे तो आप लोग हमारा चैनल विजिट करें, वहां पर आप लोगों को बेशुमार बिजनेस आइडियाज मिल जाएंगे। अगर आप उनमें से कोई भी बिजनेस करते हैं तो मैं आप लोगों को यकीन के साथ कहता हूँ कि आप लोग महाना अच्छा खासा कमा सकते हैं। और हाँ दोस्तों, मैंने अपनी माओ बहनों के लिए एक दूसरा चैनल बना दिया है, जो घर बैठे हलाल तरीके से रोजी कमाना चाह रही हैं वो इस चैनल को लाजमी विजिट करें, इंशाल्लाह आप लोगों को फायदा होगा। अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।